नमस्कार प्रिय साधकों, भक्तों, गुरुजनों एवं मेरे मित्रों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं चरण पादुका स्तोत्रम के विषय में। जिन व्यक्तियों को भी तंत्र मंत्र में आगे जाना है, उन्हें इस स्तोत्र का पाठ जरूर से करना चाहिए। और जिन व्यक्तियों को गुरु धारण नहीं हो पा रहे, आज गुरु खोजे जा रहे हैं और मिल नहीं रहे हैं, तो इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? या तो पूर्णिमा के दिन से शुरू करें, या किसी भी ग्यारस से शुरू करें, एकादशी से, तो अगले महीने तक की ग्यारस को आपको करना है, या पूर्णिमा से शुरू करें तो अगले महीने की पूर्णिमा तक आपको इसका स्तोत्र का पाठ करना है। और रोज डेली भी आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको यदि आप इस प्रकार से स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको सफलताएं जरूर मिलेगी, आप तंत्र मंत्र में भी आगे जाएंगे, और 90% चांस ये भी है कि आपको कोई योग्य गुरु भी मिल जाए। तो आपको इस स्तोत्र का पाठ जरूर से करना चाहिए। और आपको कहाँ पर करना है, या मंदिर जा सकते हैं आप, मंदिर तो आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं, या आप घर पर ही खाटू श्याम के सामने या शिव भगवान के सामने चरण पादुका लेकर उसकी पूजा कर उनको ही आप गुरु मानकर आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। बहुत अधिक परिणाम मिलते हैं, आप करके देखिएगा, जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पादुका पंचक स्तोत्रम। ब्रह्म रंध्र सर सिरु हो दरे नित्य लग्न वदात मद्भुतम कुंडली विवर कांड मंडितम द्वादशान सरसिरुहं भजे तस्य कंदलित कर्णिका पुटे कलिप्त रेखम कथादिरेखया कोण लक्षित तह लक्ष्य मंडली भाव लक्ष्यम बलालयं भजे तत्पुटे पटुद्दितक डारिम स्पर्धमान मणि पाटल प्रभम चिंतयामि हृदि चिन्मयम् वपुर्नाद बिंदुमणि पीठमण्डलम् ऊर्ध्वमस्य हूत भुक्षिखात्रयम् त्वद्विलास परिभ्रमणास्पदम् विश्वघं स्मर महाचिदोतकटम् व्यामृशामि युगमादि हंसयोः तत्र नाथ चरणारविन्दयोः कुमकुमासवज्झरी मरन्दयोः दवन्दवमिन्दुमकरन्दशीतलम् मानसं स्मरति मङ्गलास्पदम् निशक्तिमणि पादुका नियमिताघकोलाहलम् सुरत किशल यारुणम नखसमूल संचच द्रीकम परामृत सरोवरोदित सरोज संद्रोचितम भजामि शीरसी स्थितम गुरु पदार विंदम द्वयम् पादुका पंचक स्तोत्रम पंचवक्त्रा विर्निर्गतम षडाम्नाय फलम प्राप्तम प्रपच्ये चाति दुर्लभम। इस प्रकार से आपको पाठ करना है, आपको जरूर ही सफलता मिलेगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।